नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण वाजपेयी आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z हेल्थ ज्ञान पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पीलिया कैसे होती, क्यों होती है, इसके कारण, लक्षण और उपाय क्या हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन अवश्य दबाएँ। सबसे पहले जानेंगे पीलिया क्या है। पीलिया तब होती है जब हमारे शरीर में ब्लूबरिन की मात्रा अधिक हो जाती है। ब्लूबरिन की अधिक मात्रा होने के कारण हमारा लीवर कमज़ोर होने लगता है। कमज़ोर लीवर के कारण उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है, जिससे हम ब्लूबरिन पूरे हमारे शरीर में फैल जाता है और पीलिया हो जाता है। ब्लूबरिन है क्या चीज़? ब्लूबरिन लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से ब्लूबरिन बनता है, और किन्हीं कारणों से जब हमारा लीवर इसको फिल्टर करके ब्लूबरिन को शरीर के बाहर नहीं कर पाता है और ये हमारे शरीर में जमा होने लगता है, जिससे इसका लेवल बढ़ने लगता है, जिससे हमारे हमें पीलिया हो जाता है। दोस्तों, पीलिया होता किन कारणों से, कारण जानेंगे सबसे पहले। दोस्तों, नंबर एक, दूषित खाना खाना। खराब खाना खाएंगे, बाहर का खाना खाएंगे, गंदा खाना खाना खाएंगे का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें पीलिया हो सकती है। नंबर दो, अल्कोहल का प्रयोग अधिक करना। दोस्तों, जब हम शराब का सेवन अधिक करते हैं, जिससे हमारे लीवर को और बहुत प्रभावित करता है, जिससे हमें पीलिया हो सकती है। नंबर तीन, गंदे पानी का सेवन। खराब पानी पियेंगे, इससे भी हमें पीलिया होने के चांसेस रहते हैं। नंबर चार, दोस्तों, हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस से, हेपेटाइटिस A B C A, जिससे भी हमें पीलिया होने के चांसेस रहते हैं। नंबर पाँच, दोस्तों, जब लगातार दवाइयों का, किसी चीज़ के लंबा इलाज करा रहे हैं और उन दवाइयों का प्रयोग करने से भी हमें पीलिया रोग होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, अब आगे जानेंगे कि पीलिया अगर हो जाती है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, नंबर एक, बुखार आना, भूख न लगना, जी मिचलाना, पलटी होना, सरदर्द होना। दोस्तों, शरीर का रंग पीला पड़ जाना, नाखून पीले पड़ जाने, आँखों का रंग पीला पड़ जाना, पेशाब का रंग पीला पड़ जाना, गाढ़ा पीला हो जाता है पेशाब का रंग, ये सब निशानी होती हैं। अगर ऐसा आपको महसूस लगता है, अगर ऐसे लक्षण हैं, तो आप तत्काल अपने चिकित्सक से संपर्क करें और इसकी दवा लें। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि पीलिया हो जाए तो खान पान हमारा कैसा होना चाहिए। दोस्तों, जितना अधिक हो सके, नंबर एक, जितना अधिक हो सके हमें पानी का प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा पानी पियेंगे तो हमें पेशाब भी ज़्यादा होगा, जिसके कारण हमारा ब्लूबरिन पेशाब के रास्ते निकलेगा। दोस्तों, नंबर दो, लिक्विड चीज़ों का प्रयोग, जूस होता है, जैसे हमें संतरे का जूस है, अनार का जूस, इस जूस का प्रयोग अधिक करना चाहिए। लिक्विड चीज़ें का प्रयोग करें, और खाना हमें एक साथ नहीं खाना चाहिए। खाना खाएँ थोड़ा थोड़ा करके, दिन में 3 बार 4 बार खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाएं, जिससे हमारे लीवर को ज़्यादा पचाने में मेहनत ना करनी पड़े उस खाने को। दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, नंबर एक, शराब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, घी मक्खन मलाई इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, जंक फूड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाय कॉफ़ी का प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों, इन चीज़ों को खाने के लिए, और ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो जल्दी पच जाएं, जिसको पचाने के लिए हमें हमारे लीवर को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे अगर पीलिया हमें हो जाती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे इसका उपाय। अगर हो जाती है, वैसे चिकित्सक इसके इलाज प्रॉपर होते हैं, हम अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, इसका इलाज होगा। अगर हम समय से इसका इलाज कराते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी ये समस्या अधिक हो जाती है, हमारी लापरवाही से हम ध्यान ना दें तो इससे हमें हमारी जान भी जा सकती है, ये हमेशा ध्यान रखना। दोस्तों, उपाय, अगर घरेलू उपाय, दोस्तों दो चीज़ें ऐसी बताएँगे। एक तो देसी दवा होती है अरंड के पत्ते का रस। अगर लगातार 6 से 7 रोज अगर अरंड के पत्तों का रस पी लिया जाए तो नॉर्मल पीलिया अपने आप सही हो जाती है। नंबर दो, मूली का रस, मूली का जूस बना के अगर हम पिए सुबह, उससे भी पीलिया में आराम मिलता है। दोस्तों, लेकिन ये घरेलू चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको पीलिया की शिकायत है, लीवर की शिकायत है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और उसके कहे हुए उस पर परामर्श पर चलिए। दोस्तों, आज का विषय हमारा ये पीलिया था। अगर आप लोगों को
हमारा वीडियो पसंद आए। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नमस्कार, आप लोग स्वस्थ रहें।